सो हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक एक नए वीडियो में। और ये वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ मैं इन शॉट के लिए, क्योंकि मैं चेक कर रहा था अपना ये एनालिटिक्स सेक्शन और मैंने ये देखा कि टॉप 5 वीडियो में से 2 वीडियो तो जो इन शॉट की प्रॉब्लम के बारे में ही है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि इन शॉट में वीडियो सेव नहीं होती है। जब हम इन शॉट में कुछ वीडियो सेव करते हैं तो उसमें एक एरर आ जाता है इस तरीके का। तो इसको रिजॉल्व कैसे करें उस बारे में मैंने पहले भी बताया था, मैं दोबारा से फिर बता देता हूँ और डिटेल में बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, छोटी क्रिस्प वीडियो बनाऊँगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगा, तो एंड तक ज़रूर देखना। और कोशिश करूँगा कि इसको मैं एक सिंगल टेक में ही पूरा कंप्लीट करूँ और कुछ भी ऐसा हिडन ना रहे, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहे। तो शुरू करते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए ये एक वीडियो है मेरी जो 20 मिनट की वीडियो है। टोटल है, आप देख पा रहे होंगे कॉर्नर में नीचे, तो ये 20 मिनट की वीडियो है। अच्छा, इस वीडियो को अगर मैं 1080 पर 30 फ्रेम पर सेकंड में करूँ तो ये सेव हो रही है। ये देखो, ये सेव हो रही है, कन्वर्टिंग वीडियो और सेव हो जाएगी। लेकिन इसी वीडियो को अगर मैं 60 फ्रेम पर सेकंड में करूँगा तो ये नहीं हो रही है। ये मांगता है ऑप्शन, ये मांगता है कि मुझे 2096 MB का डेटा और चाहिए इंटरनल स्टोरेज में, इंटरनल में चाहिए, नॉट SD कार्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे लगभग 2 GB का डेटा और चाहिए। अच्छा, अब मैं क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ तो इसमें भी कुछ डेटा लग रहा होगा, तो ओवरऑल मैं क्या करूँगा, मुझे 3 GB का डेटा खाली करना पड़ेगा अपने फ़ोन में से। तो लेट्स से कि यहाँ पर मेरे पास अभी कितना डेटा है अवेलेबल, अभी है मेरे पास 6.90 GB मेरे पास डेटा अवेलेबल है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको खाली करना है। तो जैसे मैं अपने फ़ोन में मैंने कुछ वीडियो देखी और उसको डिलीट कर दिया, अब ये रिसेंटली डिलीट में आ गई है। अब मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से इसको भी मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है जी, ये क्लियर हो गई है। अब मैं आता हूँ वापस यहाँ पर और ये 6.9 था, अब 9.20 GB ये स्पेस बन गया है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये क्या ये सेव हो पाता है या नहीं 1080 पर 60 फ्रेम पर सेकंड में सेव। तो ये सेव हो रहा है। ठीक है, तो मोटी मोटी बात ये है कि जितना भी एरर ये शो करता है उसको आपको डिवाइड करना है 1024 से, यानी कि 1 GB होता है 1024 MB का। तो अगर यहाँ पर शो कर रहा है, अब जैसे कि मैं इसको 4 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, अब यहाँ पर मांग रहा है मुझसे 19137। तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 1024 से तो ये आ जाएगा लगभग लगभग 19 GB। तो आप ऑन अ सेफर साइड इसको सेव, आपके जो इंटरनल मेमोरी होनी चाहिए वो लगभग 20 GB का स्लॉट खाली होना चाहिए, मतलब 20 GB खाली होनी चाहिए। अच्छा, अब क्यों होता है ये, तो उसके लिए हम कुछ इसके FAQs देख लेते हैं। FAQ, अब यहाँ पर हम ढूंढते हैं कि कहाँ पर आएगा। अच्छा, यहीं पर आएगा, देखो मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ गए, इसमें गए, सेव किया, 4K में गए और इसको सेव किया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आई बटन है, इस आई बटन में हम क्लिक करते हैं तो ये आ गया। तो व्हाई डज माई फ़ोन हैव स्पेस एंड इट स्टिल प्रॉम्प्ट्स इनसफिशिएंट मेमोरी ड्यूरिंग द वीडियो सेविंग प्रोसेस, इट विल जनरेट मैनी इंटरमीडिएट फाइल्स, दीज फाइल्स विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड वंस द सेविंग प्रोसेस इज कम्प्लीटेड। टू सॉल्व दिस प्लीज फ्री अप मोर स्पेस ऑन योर डिवाइस, नॉट इन SD कार्ड। तो ये बोलता है कि भाई जब ये फाइल हम कोई वीडियो बनाते हैं और सेव करते हैं तो ये जो सिस्टम है वो कुछ फाइल्स जनरेट करता है जो अपने आप ही डिलीट हो जाती है। अब वो फाइल्स होती क्या है, अब वो फाइल्स कुछ ऐसी फाइल्स होती है जैसे हम ज़्यादा एडिट कर देते हैं, ज़्यादा फिल्टर लगा देते हैं, या फिर म्यूज़िक डाल दिया, या स्टिकर डाल दिया, टेक्स्ट लिख दिया, ड्यूरेशन हमने ऊपर नीचे कर दी, हमने कोई PIP ऐड किया है, या कोई बैकग्राउंड लगाया है, कोई एनिमेशन डाला है। तो ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं ये अपने अपने कुछ सोर्स फाइल, सोर्स कोड्स होते हैं, तो उनको यूज़ करते हैं। तो उसके लिए इसके पास कुछ सफिशिएंट डेटा होना चाहिए। तो ये मोटी मोटी बात ये है। तो ये तो पहली चीज़ हो गई
कि जितना स्पेस वो मांग रहा है उतना स्पेस आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपका जो InShot है वो हमेशा अपडेट होना चाहिए। जैसे मैंने अपडेट नहीं कर रखा है, इसलिए नहीं कर रखा है क्योंकि मुझे आपको शो करना था ये, तो आपका जो InShot है वो अपडेट होना चाहिए। अच्छा, इसमें क्या है कि टाइम ऑन टाइम InShot जो है वो अपने अपडेट्स लाते रहता है। अच्छा, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि जितना आपका वीडियो का लेंथ होता है उतना ही आपके पास स्पेस होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल, अगर इस वीडियो का का जो लेंथ है वो 20 मिनट्स का है तो आपके पास 20 GB का स्पेस होना चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि InShot अपडेट्स लाता रहता है, तो वो इस पर काम कर रहा है। क्योंकि अभी मेरे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ 9 GB है, 20 GB नहीं है। स्टिल मैं इसको 1080 पर 60 फ्रेम पर सेकंड में सेव कर पा रहा हूँ, तो ये अपग्रेड हो रहा है। तो आपका फ़ोन भी अप टू डेट होना चाहिए, मतलब जो ऐप है वो अप टू डेट होनी चाहिए। तो एक और चीज़ ये है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है बस। अब जितनी ज़्यादा एडिटिंग करेंगे आप, जितने ज़्यादा एलिमेंट्स डालेंगे अपने वीडियो में, उतना ज़्यादा जो वीडियो है ये ऐप है वो स्पेस मांगेगा। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप हो सके जितना मिनिमम वीडियो एडिटिंग करें उतना कर सकते। जैसे मैंने देखो यहाँ पर ट्रांजिशन लगा रखे है और यहाँ पर सॉन्ग्स भी डाल रखे हैं, तो जितना ज़रूरी है उतना ही करो। और हो सके तो अगर आपके पास 64 GB वाला फ़ोन है तो कोशिश करो कि उसको अपग्रेड कर सके। अब मेरे पास तो नहीं है, देखो मेरे पास 64 वाला है लेकिन मैं अपग्रेड नहीं कर सकता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम ही अपना वीडियो को एडिट कर सकूँ, उसमें और कम एलिमेंट डाल सकूँ जितना की ज़रूरत होती हो सकती है, जो मेरी वीडियो के लिए सफिशिएंट है। अगर आपका जो हैवी वर्क है तो ये ऐसी बात हो गई ना कि अगर आप लैपटॉप भी कोई यूज़ कर रहे हैं तो गेमिंग के लिए एक अलग सेटअप होता है, और एडिटिंग के लिए एक अलग सेटअप होता है, नॉर्मल यूज़ के लिए एक अलग सेटअप होता है। जैसे कि प्रोसेसर होते हैं UP और H सेगमेंट वाले, U वाला जो हल्की फुल्की काम कर सकते हैं, P वाले में थोड़ा हार्ड काम हो जाता है, और फिर H वाला आता है प्रोसेसर जो कि बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है। तो उसी तरीके से ये भी है, फ़ोन के साथ भी ऐसा ही होता है। तो नेट बात ये है कि अगर आपने जो आपको एरर आ रहा है उसके हिसाब से आपके पास बचना चाहिए आपका डेटा, तो इसी तरीके से आप अपनी जो वीडियो है वो एडिट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, कोशिश करूँगा उसको रिजॉल्व करने के लिए। बस इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं बनाते हैं, 8-9 मिनट की तो वीडियो बन चुकी है, ज़्यादा लंबी वीडियो करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जो टिप्स थे वो मैंने बता दिए कि आपका जो InShot है वो प्रॉपरली अप टू डेट होना चाहिए। ठीक है, अप टू डेट होना चाहिए, आपके पास जो सफिशेंट मेमोरी होनी चाहिए वो इंटरनल होना चाहिए, एक्सटर्नल SD कार्ड से नहीं होना चाहिए। और बस फिलहाल तो इतना ही है, इसके अलावा तो मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और कुछ ऐसी कोई ट्रिक्स भी नहीं है कि जो मैं बता सकूँ आपको इसको ठीक करने के लिए, क्योंकि मेन जो चीज़ है वो यही है। ठीक है जी, आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर डालना, मैं ट्राई करूँगा उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो ये वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच एंड यू हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।